हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिट्टी के बर्तन में हांडी चिकन, या आप जिसे भुना चिकन भी कह सकते हैं। लेकिन ये रेसिपी मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने बनाई है। अगर आप बैचलर हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये जीरा, धनिया, सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च, जायफल, स्टार एनिस सभी को सूखे बर्तन में ड्राई रोस्ट कर लिया है और इसे सिंपली मिक्सी में चलाकर दरदरा पीस लेंगे। अब मैंने यहाँ गैस पर बर्तन को बैठा दिया है। अब मैं तेल दे रही हूँ। तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें 3 बड़े साइज़ के अनियन दूंगी। अनियन को मैंने अच्छी तरह से पतला पतला काट लिया है। अब इसे फ्राई कर लूँगी। अनियन फ्राई हो जाने के बाद मैं इसमें दूंगी 2 बड़े चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। और मैं दे रही हूँ अनियन का पेस्ट। अब मैं दे रही हूँ हरी मिर्च का पेस्ट। इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब मैं दे रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, बाद में मैं और भी दूंगी। इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। उसके बाद मैं दूंगी 2 बड़े साइज के टमाटर। इसे भी अच्छी तरह से चला के फ्राई करेंगे। अब मैं दे रही हूँ मैरिनेट किए हुए चिकन। इसे मैंने 2 घंटे पहले मैरिनेट कर लिया था। इसमें सिंपली मैंने थोड़ा सा नमक, हल्दी और अदरक लहसुन दिया है और कुछ भी नहीं। अब मैं दूंगी नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा कश्मीरी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और अब मैंने जो ड्राई रोस्ट करके मसाला रखा था वो मैं दे रही हूँ। बस दोस्तों, इसकी अच्छी तरह से अब हम भुनाई करेंगे। हांडी चिकन बा देहाती चिकन, आप जो भी कह लीजिए इसे, भुना चिकन, इसकी फ्लेवर तभी निकलती है जब इसको आप अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट तेल निकल गया है, इसका मतलब मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। ये रेसिपी देखते हुए किन किन दोस्तों के मुंह में पानी आ रहा है दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं दे रही हूँ सिंपली गर्म पानी। इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। अब मैं दे रही हूँ थोड़ा सा नमक लास्ट में। अच्छी तरह से चला के इसे 15 से 20 मिनट तक ढक के पकाएंगे। बस दोस्तों, तैयार हो गई हमारी हांडी चिकन, या आप जिसे भुना चिकन कह सकते हैं। इसे आप गरम गरम रोटी या नान के साथ सर्व कीजिए, बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है खाने में। तो ये रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, टाटा।